Good morning, friends. This is your host Ashish Barua from Barua's Way. Today is 5th of July 2022. We are going to discuss the pre-market analysis of the currency market. Yesterday, being Independence Day, US market was closed. So let's see what the different other markets behaved. Please watch till the end to get most information. Before we start, please like the video as it inspires me to put more effort and make new, better, creative and effective content for you. Without further ado, let's begin. The risk disclaimer is as follows. Let's start with dollar index, which is at 105.16. कल यूएस हॉलीडे के कारण ज्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं दिखा गया, बिकॉज ऑफ विच आपका एक छोटा सा कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, पॉज कैंडल्स। बेसिकली अभी एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस दिख रहा है, जिसके लिए देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि ये 103.70 की तरफ आ सकता है, लेकिन सॉफ्टनेस का कोई गुंजाइश अभी तक दिख नहीं रहा है, बिकॉज फॉर लास्ट 3-4 डेज इट इज मूविंग इन ए वेरी नैरो रेंज। अगर इसके लो के नीचे, दैट इज 1st जुलाई के लो के नीचे अगर मूव होता है, देन देयर आर हायर चांसेस कि ये 103.70 की तरफ आ जाए। डॉलर रुपी देखेंगे, डॉलर रुपी में भी आपका पिछले 3-4 दिन से पॉज कैंडल्स दिख रहा है एंड इट इज ट्रेडिंग इन बिटवीन 79.1015 ऑन द हायर साइड एंड 78.8890 ऑन द लोअर साइड। ये जो पॉज कैंडल्स है, बेसिकली ये सिग्निफाई कर रहा है कि मार्केट लिटिल बिट वेट एंड वॉच मोड में है। अगर हम पहले क्या ये 3 दिन का प्राइस एक्शंस देखेंगे, आपका 22nd, 23rd एंड 24 जून का, ये भी सिमिलर टाइप ऑफ पॉज कैंडल्स था एंड इट वाज रेस्पेक्टिंग 78.40, लेकिन एक बार ऊपर की तरफ तोड़ दिया इस पर्टिकुलर रेंज को, तो ये नया हाई बना चुका है। सिमिलरली ये जो हाई है आपका 79.15, उसके ऊपर अगर थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेट कर जाए, देन वी मे सी ए न्यू टेरिटरी, मे बी टुवर्ड 79.4050 एंड इसके लो के नीचे, दैट मींस बेसिकली हम अगर देखेंगे कि 78.90 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, अगर ये 78.8085 के नीचे सस्टेन करता है फॉर टाइम बीइंग, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम प्राइस मूवमेंट टुवर्ड 78.50। लेकिन अभी ऐसा कुछ प्राइस एक्शंस दिख नहीं रहा है जहां पे कि रुपी करंट लेवल से थोड़ा सा एप्रिशिएट करे टुवर्ड 78.50, रेदर सम सॉर्ट ऑफ डॉलर डिमांड्स आर देयर इन द मार्केट एंड वो पर्टिकुलर डिमांड के कारण मीन्स ये नीचे आ नहीं रहा है एंड दिस पर्टिकुलर डिमांड कंटिन्यूज, देन अगेन हमें एक नया हाई दिखने को मिल सकता है। जीबीपी डॉलर में कल एक पॉज कैंडल था, ज्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं था ड्यू टू न्यूयॉर्क हॉलीडे, दैट इज द यूएस हॉलीडे। तो यहाँ पे अभी एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन प्राइस हो रहा है जिसको हमें केयरफुली देखना है। यूरो यूएसडी में देखेंगे, वहां पर भी कल ज्यादा कुछ एक्टिविटीज था नहीं एक पॉज कैंडल से। हमें ये इंतजार रहेगा ये जो बॉटम है इसके नीचे क्या क्लोज दे देता है कन्विंसिंगली एंड फॉलो थ्रू होता है या नहीं, एल्स सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशंस आर एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर करेंसी पेयर। जो हमारा 16 जून का रेंज है उसके बाहर क्लोज देना पड़ेगा, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड ट्रेंडेड मूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। डॉलर येन में देखेंगे, कल आपका एक छोटा सा अपवर्ड मूवमेंट देखा गया था एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 134.78 एंड 135.77। आज मॉर्निंग से थोड़ा सा एशियन मार्केट में ये और भी येन अप्रिशिएट हो रहा है, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे कन्विंसिंगली क्लोज नहीं दे देता है, वी शुड नॉट थिंक अबाउट द सेलिंग इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, एंड वो ही हो रहा है। अभी ये आपका जो ट्रेंड लाइन है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके हम ऐसा कर देंगे, कंसीडरिंग दिस लो एज द सेकंड पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। तो हमें ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देने का इंतजार करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सेल ऑफ, अदरवाइज वी कैन
लुक फॉर बाय डिप्स इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। जीबीपी आईएनआर पे कल का कंसोलिडेशन था एंड हमें ये जो 16 जून का जो रेंज है इसके बाहर क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम ट्रेंडेड मूवमेंट। टिल दैट टाइम चॉपी मूवमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर एक्सपेक्टेड। यूरो आईएनआर आपका ये जो लेवल था 16 जून का हाई का उसके ऊपर सस्टेन कर नहीं पाया। हमें एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे सपोर्ट लेके क्या दोबारा यहाँ तक जाएगा, लेकिन वो गया नहीं है और ये दोबारा 16 जून के कैंडल के रेंज के अंदर में आ चुका है। देयर बाय इट इज क्रिएटिंग सम चॉपी बोथ साइड मूवमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ENRM पे हम देखेंगे तो हम एक्चुअली बेसिकली इंतजार कर रहे थे 0.59 से 0.5930 की तरफ, जो आपका 0.5965 तक 0.5865 तक आया, लेकिन उसको ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहे। सो यहाँ पे हमें एक देखना है आपका 30 जून का लो। ये 30 जून का लो के नीचे हम दोबारा ये जो स्विंग लो है दैट इज 0.5720 की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी में कल एक नेगेटिव कैंडल दिखा गया, बट इट्स सम सॉर्ट ऑफ इंडिसिसिव कैंडल एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2902 एंड 1.2837। दैट बीइंग द केस हमें इंतजार रहेगा इस लेवल के नीचे क्लोज देना एंड उसके बाद फॉलो थ्रू, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम ट्रेंडेड वन डायरेक्शनल मूव, एल्स बोथ साइड चॉपिंग मूवमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। ऑसी डॉलर में ये आपका 1 जुलाई को क्लोज हुआ था, लेकिन 4 जुलाई में दोबारा बाउंस बैक कर चुका है एंड आज थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है। जैसे ही ये 4 जुलाई के हाई के ऊपर दैट इज 0.6890 इसके ऊपर आवरली बेसिस पे क्लोज दे देगा, देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 0.7050। उसका रीजन क्या है, लेट मी एक्सप्लेन द रीजन। यहाँ पे आपका 1 जुलाई को ब्रेक दिया एंड 2 जुलाई को फिर दोबारा इस जो लेवल ब्रेक था उसके ऊपर क्लोज दे दिया एंड अभी उस लेवल के हाई के ऊपर आप फॉलो थ्रू देखते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम क्विक अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 0.7050 की तरफ। डॉलर CNH जो है कल ज्यादा कल का एक्टिविटीज नहीं था, मोस्ट प्रोबेबली कल चाइना का भी कुछ एक्टिविटीज होगा बिकॉज ऑफ विच CNH में कुछ वैल्यूज नहीं दिख रहा है। आज सुबह से थोड़ा सा सेल ऑफ दिख रहा है। हमें अभी इंतजार है आपका 28 जून के लो के नीचे, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लो दैट इज द 3rd जून एंड उसके लो के नीचे वी कैन एक्सपेक्ट सम सेल ऑफ। सो अभी जब तक इसके लो के नीचे दैट इज 28 जून के लो के नीचे ट्रेड नहीं हो देता है तब तक आपका साइडवेज चॉपी वॉलेटाइल मूवमेंट्स आर एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। यूके ऑयल 30 जून को सेल ऑफ हुआ था, लेकिन उसके बाद आपका फॉलो थ्रू दिख नहीं रहा है, 1 जुलाई एंड 4 जुलाई को ऊपर की तरफ आ चुका है। अभी हमें देखना है कि ये सेंटरमेंट जो है ऑन डेली बेसिस इसमें नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होता है तो फिर दोबारा एक सेल ऑफ हम देख सकते हैं। हालांकि जो हमारा प्रीवियस कैलकुलेशन था यहाँ पे जब आपका सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लिया था तब हमारा ये टारगेट था कि 107.50 जो ऑलरेडी डॉलर टर्म्स में मैट हो चुका है, लेकिन रुपी टर्म्स में जो आपका क्रूड ऑयल MCX वाला है वो हमारा जो 8150 से 8200 वहां तक आया नहीं था, 8278 लो मार के फिर ऊपर की तरफ चला गया था। लेट अस सी व्हाट आई वांट टू मीन। ये था आपका यहाँ पे हमने 8720 के नीचे सेल के लिए हमारा जो डिस्कशन था बिकॉज ऑफ दिस ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड, उसके लिए हमारा टारगेट था 8150 से 8200। वेयर इज हमारा जो लो देखा गया है आपका 8316 on 30th June and 8278 on 1st of July. उसके बाद ये ऊपर की तरफ चला गया था। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये जो टारगेट है वो दर्जी वाला टारगेट नहीं होता है, उसके कभी वो मैट होता है कभी नज़दीक से फिर मार्केट
थोड़ा सा रिवर्स करने का कोशिश करता है और कभी कभी काफी नीचे भी चला जाता है। वैसे ही 8 to 7 8, 8 to 0 0 का टारगेट 8 to 7 8 से ऊपर की तरफ घूम चुका है। अभी हमें देखना है कि ये सेंटर में दोबारा रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है या नहीं आता है। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी आपका 1 जुलाई को अच्छा खासा सेलिंग कैंडल्स देखा गया था, लेकिन 4 जुलाई को ये पॉज कैंडल बनाया और आज सुबह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें अभी देखना है कि ये पार्टिकुलर लेवल पे ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है या नहीं आता है। बेसिकली 13 जुलाई यूएस सीपीआई डेटा है, वो अगेन अनदर क्रूशियल पॉइंट है, बिकॉज उसके ऊपर नेक्स्ट फेड रेट हाइक का पेस डिसाइड होगा। तो टिल दैट टाइम सम सॉर्ट ऑफ चॉपी मूवमेंट्स, वोलेटाइल मूवमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। अभी हमें देखना है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है, एंड उसके बाद ये लो के नीचे फॉलो थ्रू दिखता है या नहीं दिखता है। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज आपका 28 जून का हाई के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर ये 28 जून का हाई के ऊपर क्लोज दे देगा तो ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन को निगेट कर जाएगा, एंड इन सच सिचुएशन काफी वॉलेटाइल चॉपी मूवमेंट आर एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, इट हेल्प्स आउट ग्रेटली। थैंक यू अगेन, दिस इज आशीष बुरवा फ्रॉम बुरवाज वे साइनिंग ऑफ।